नमस्ते बच्चों, आज हम 9 तक गिनना और जोड़ना सीखेंगे। बच्चों, हम पहले इस तरह से 9 जुड़े वर्ग बनाएंगे, 5 वर्ग ऊपर और 4 वर्ग नीचे। अब हम 5 फ्रेमों में इस तरह से सेब बनाएंगे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कितने और फ्रेमों में सेब बनाने होंगे ताकि सभी 9 फ्रेम में सेब हों? आइए देखें। 1, 2, 3, 4। हमने 4 और फ्रेमों में सेब बनाए और अब सभी 9 फ्रेमों में एक एक सेब है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 में हमने कितने और जोड़े ताकि कुल संख्या 9 हुई। जैसा हमने देखा, 5 में 4 जोड़ कुल संख्या 9 होगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। आइए 2 फ्रेम में एक एक फूल बनाएं। हमें कितने और फ्रेमों में फूल बनाने होंगे ताकि कुल 9 फ्रेम में फूल हों? आइए हम खाली फ्रेमों में एक एक फूल बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमारी 9 फ्रेमों में एक एक फूल है। इसका मतलब हमने 2 में 7 जोड़े तो कुल संख्या हो गई 9। बच्चों, अब आपकी बारी। अगर हम एक फ्रेम में एक चांद बनाएं, तो हमें कितने और फ्रेमों में चांद बनाने होंगे ताकि कुल 9 फ्रेमों में एक एक चांद हो? दूसरे शब्दों में, एक में क्या जोड़ कुल संख्या 9 होगी? अपना उत्तर ढूंढें और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 9 तक गिनना और जोड़ना सीखा।